नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप आईएएस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पीएससी का। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी 2019, तो उसका अभी हाल में मतलब कि आज ही के दिन जो है तो 9 फरवरी 2020 को जो छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो फ्रेंड, हम इसका मतलब कि पूरा आपको आंसर की के साथ जो है पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम ये बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है ना, तो उसके बारे में हम लोग उसके बारे में इत्मीनान से मतलब कि यहाँ पर से वीडियो में देखेंगे। तो इस पे यदि इस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, तो यदि हम पिछले क्वेश्चन पेपर के कंपेयर करते हैं, तो पिछले उसमें देखा जाए तो उसके कंपेयर में इस बार का जो पेपर था, तो इसमें फैक्चुअल बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। यानी कि इसमें जो है तो जो हालांकि जो जीएस के क्वेश्चन थे, जीएस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे इसमें, है ना। जैसे कि यदि आप पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी का स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक था। जैसे दल बदल कानून से संबंधित भी दो क्वेश्चन लगभग आए थे, है ना। तो पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे इस बार के स्टैंडर्ड इसमें क्वेश्चन में था। लेकिन जो है तो फैक्ट बेस पे स्टेट पीसेस स्टेट के जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल के क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे गए इसमें देखने को मिले, है ना। वहीं इसमें यदि हम देखें तो इसकी जो योजनाओं के फैक्ट बहुत सारे इसमें जो है तो इस पेपर में इस बार के पूछे गए, है ना। तो इस पे फैक्ट जो है तो ज़्यादा था। साथ ही हम करंट की बात करते हैं, तो इस पेपर में तो करंट जो है तो इसमें लगभग लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स जो है तो पूछा गया था इस पेपर में, है ना। तो करंट अफेयर्स भी स्पेशली जो है तो करंट अफेयर्स जो है तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी करंट काफ़ी कुछ पूछी गई, है ना। योजनाएँ जो हैं तो योजना से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मतलब किस बार पूछे गए। तो इसमें कह सकते हैं कि ओवरऑल यदि बात की जाए इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो क्वेश्चन पेपर जो था तो पैटर्न काफ़ी ईजी पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, है ना। लेकिन इस पर जो तो फैक्ट बेस पे जो है तो काफ़ी लोग इसमें धोखा खाए होंगे, क्योंकि जो फैक्ट बेस पे था, या तो आपको वही सिस्टम होता है फैक्ट में, या तो आर या तो पार, है ना। यानी कि आपको यदि वो याद है सीधा सीधा तो भाई आपका आंसर होगा, अदरवाइज तो फिर जाओ, है ना। तो वही बात है कि इसमें जो है तो इस बार में क्या कि डायरेक्ट यदि आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज फैक्ट पे कोई भी वो नहीं होता है। तो फैक्ट बेस पे इसीलिए क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे। अब बाकी जो है तो क्वेश्चन का लेवल वही था, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा इसको नहीं माना जा सकता है ना। हाँ, जीएस के लेवल पे कुछ ठीक ठाक था। वही हिस्ट्री के पेपर की बात करें, तो हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में जो है तो हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिले, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं थे हिस्ट्री क्वेश्चन, जबकि यदि बात करें छत्तीसगढ़ स्पेशल उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी थे, है ना। तो वही ट्रेंड, तो बाकी वही वही एसटी छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन थे, है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर हम लोग जो है तो उसका स्पेशली बात की जाए, तो ओवरऑल ये जो है तो इसका एवरेज तौर पे जो है तो इस पे क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। अब हम इसके आंसर की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पूरा जो है तो पूरा इसमें जो है तो इनके आंसर्स को वो किया है। इसमें देखते हैं आपकी, जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, है ना। तो इसमें जो है तो इसका जो राइट आंसर था वो 10 था। वहीं बात करें कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अंगटाड के द्वारा जारी किया गया था, है ना। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है ना। तो यदि इस पे देखते हैं, तो इसमें तो जैसे कि वैसे ही भी भारत के संदर्भ में कहा भी जाता है कि जो है तो भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है ना। तो उसी के संदर्भ में देखो तो यहाँ पास जो है तो इसमें खास कोई राज्यों की भूमिका नहीं होती है। तो इसमें जो है तो इसमें इसका जो ऑप्शन है तो डी नंबर सही होगा, है। वहीं बात करें केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, कि विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया। आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो बजट 2019-20 है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो उसमें जो है तो इतना फैक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्ट यही पूछ दिया गया कि एयर इंडिया का जो उसमें विनिवेश से संबंधित जो टारगेट सेट किया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कितना था। उसका जो सही आंसर था तो है 1 लाख लगभग 5,000 करोड़ रुपए, है ना। तो ये इसका जो है तो सही आंसर था। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है तो कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, तीनों इसमें सही होंगे, है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्यूटन के गति का, साइंस का क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, साइंस का जो है तो उसमें कोई भी डाउट नहीं कि साइंस के क्वेश्चन, हालांकि छत्तीसगढ़ पीएससी में देखा जाए तो उसका हम पिछले पेपर का भी ये एनालाइज करें तो उसमें साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछे जाते हैं, है ना। साइंस का वही नॉर्मल से क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम है। वहीं वस्तु एवं सेवा कर संबंधित ये क्वेश्चन पूछ दिए, जीएसटी से भी पूछ दिया गया था क्वेश्चन, है ना। जीएसटी से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे कि देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर जो तो निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी को इसमें शामिल नहीं किया, बाकी तो उत्पादन शुल्क के मूल्य वर्धित कर, सेवा कर इसमें शामिल किया गया, है ना। वहीं क्वेश्चन देखते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की जो मूर्तियाँ हैं वो किससे बनी हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन इसमें देखा जा सकता है ना।
मोस्टली तो लोग वही पत्थर धातु तक जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति है ना, जिसने तो मतलब किसके बारे में जाना होगा वही इसको जो तो सही कर पाया होगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग के कारण है ना, ये कॉमन सा क्वेश्चन। वहीं कंप्यूटर से चिप बनी होती है, ये भी बहुत कंप्यूटर के भी काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे सिलिकॉन की पतली परत के द्वारा है ना। वहीं इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन करता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मॉडेम इसका सही आंसर होगा। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी रिलेटेड ये देख सकते हैं कि जो है तो काफ़ी साइंस का क्वेश्चन ईजी था ना, इसमें जिप्सम का इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रयोग होता है, CSO4 2 1/2 H2O ना, इसका फॉर्मूला भी होता है। वहीं देखें कि किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है, तो सिंपल सी बात है, गुणसूत्र की संख्या तो भाई वही होती है, वो स्थिर रहती है ना। तो ये भी क्वेश्चन था उससे बायो से रिलेटेड देख सकते हैं। वही ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब कि ईजी ही था, फैक्चुअल बेस पे डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन था कि लोकाया दर्शन किसको कहा जाता है, वही चार्वाक का लोकाया दर्शन है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन मतलब कि फैक्ट बेस पे ही था ना, इसको एंशियंट से भी देख सकते हैं। ये शंकराचार्य को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध है ना, उनको संज्ञा दी गई थी। वहीं नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये कि शंकर के जो दर्शन था उसको क्या कहा जाता है, शंकराचार्य से दो क्वेश्चन आए थे ना, तो यहाँ पास कितना ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इसके जो दर्शन है उसको उन्होंने अद्वैतवाद उन्होंने दिया था ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं डॉक्टर हमारे स्वामी विवेकानंद जी है ना, तो ये भी इसका डी आंसर सही होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, 2019 का नोबेल शांति पूछा गया है ठीक है। तो ये जो इसका सही आंसर था कि अबी अहमद अली इथियोपिया के थे है ना, तो इसका सही आंसर था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्लेयर थे और उनका जो है तो मैचिंग कराना किस गेम से रिलेटेड, तो ये काफ़ी मतलब कि इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये तो फेमस ही हैं, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, यदि आप इनमें से तो निश्चित तौर पे कोई भी एस्पिरेंट हो तो इनके बारे में ईजिली जानता ही होगा, तो ये भी काफ़ी ईजी इसको माना जा सकता है। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जैसे कि इसमें है कि हमारे देश के पहले लोकपाल कौन है, ये भी काफ़ी मतलब कि करंट काफ़ी ईजी था है ना, PN चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष इसका सही आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही आंसर था वह राधा कृष्ण माथुर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है ना, तो ये जो क्वेश्चन था कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कहाँ स्थित है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ठीक है। फिर मैं जल्दी जल्दी इसमें कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज़ तो खास देख नहीं रहे, डायरेक्ट फैक्ट फैक्ट देख रहे हैं आप लोग, कि इसमें फैक्ट डायरेक्ट पूछा गया है ना, तो इसीलिए जो है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको मैं इजीली डायरेक्ट आपको जो है तो इसके आंसर ही बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पास मैं वो भी कर दूँगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, निश्चित तौर पर जो है तो टीम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक जो साइलेंट स्प्रिंग है उसके लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के जो राइटर हैं तो उनका नाम था राइकल कार्सन ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये इसका क्वेश्चन जो है तो इसका आंसर जो होगा बीजिंग में होगा है ना, चीन। वही मध्य प्रदेश PSC की बात की जाए तो उसमें पूछा गया था कि 2026 का पूछा गया था ओलंपिक का है ना, इसमें पूछा 2022 का, इसका जो है तो बीजिंग चीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, जैव विविधता का दशक घोषित किया गया इसको 2011 से 20 को ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन सर्वपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी है ना, तो यदि इस पर देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर का, इट मीन्स सरवपुर, शिरपुर और प्रसन्नपुर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से यदि देखा जाए तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा कि उसने सकल कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी, इसका सी नंबर सही होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सिंपल सा क्वेश्चन, डेट डाटा बुक पूछा गया है लुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है, वही जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी, तो ये इसका सही आंसर होगा वाल्टर जी रोजन ने इसकी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यानी कि इसकी शब्द की उन्होंने स्टार्टिंग रचना की थी है ना, वाल्टर जी रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शासक हैं और कार्य उनसे रिलेटेड है, ये छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है तो आया है ना, कि
जो है तो शासक और का जैसे कमल राज, जाजल्य प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्य द्वितीय, तो इसमें से देखते हैं तो जो कमल राज का फर्स्ट का होगा तो उसका सही होगा। इसमें यदि आप देखें तो इसका जो फर्स्ट नंबर है तो उसमें होगा इसका उत्कल राज्य पर, ठीक है, आक्रमण उसने किया था कमल राज ने, तो इसका ए का फोर्थ होगा। वहीं यदि हम आप बात करें कि जाजल्यदेव प्रथम है ना, तो जाजल्यदेव प्रथम का होगा चक्रकूट के राजा सोमेश्वर को पराजित उन्होंने किया था, है ना। वहीं बात करें थर्ड नंबर की रत्नदेव द्वितीय, तो रत्नदेव जो द्वितीय हैं तो उसका जो सही आंसर होगा वो गंगा राजा आनंद वर्मन को उन्होंने पराजित किया था। वहीं जाजल्यदेव द्वितीय की बात की जाए तो त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को उन्होंने विफल किया था, तो इसका जो सही आंसर था वो था डी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यह है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित इसमें नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा मोकासा, जो कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया था, ये इसका गलत है ना। बाकी जो है तो सही से सभी सही इसमें मैच किए हुए हैं, धर्मदाय भी, देवस्थान भी, नाम लोग भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भूसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया था। इसमें यदि हम बात करें कि जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे तो थोड़ा सा इसको क्रिटिकल माना जा सकता है, उनका लेवल तो जो था तो काफ़ी, मतलब कि कुछ उसमें सीक्वेंस से भी थे ना, तो इसमें काफ़ी कुछ उसमें राजधानी जैसे देख सकते हैं पूछी गई थी, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसके क्रिटिकल इनको माना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर था ए नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर था, है ना। यानी कि डी नंबर, यानी कि पहले महीपत राव दिनकर, फिर विट्ठल दिनकर, फिर केशव गोविंद, और उसके बाद भीखाजी गोपाल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर, कि उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य जो है तो असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण की यदि बात की जाए तो इसकी वही इसका सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि ये इसके घटना के सीक्वेंस देखिए, पहले के पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पे हुआ, ठीक है, उसके बाद बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का भी प्रयास हुआ, है ना, फिर वामन राव लाखे, शिवदास टाग, अब्दुल रऊफ प्यारे सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी हो गई, तो उसके बाद फिर रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पर पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल जेल में रहते हुए निर्वाचित हो गए थे, तो इसका जो सीक्वेंस नंबर सी नंबर जो है इसका सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्न में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो इसमें जो है तो थोड़ा सा मतलब कि देख सकते हैं कि इसमें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का जो है तो ये ज़्यादा मतलब कि वो उसमें देखा गया है, ठीक है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि देवरानी जेठानी का जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तालागांव, तालागांव में ये मंदिर है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है, तो राजस्व गांवों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 20,126, इसका सही आंसर डी नंबर, डार्क फैक्ट वेस्ट पे क्वेश्चन। वहीं अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर होगा हसदो नदी पे है, ठीक है। वहीं गौरलाटा चोटी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे टॉप चोटी मानी जाती है ना, तो ये कहाँ पास किस पार्ट पे स्थित है ये पूछा गया है, यानी कि सामरी पार्ट में स्थित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य किस कहाँ पास स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रायगढ़ जिले में है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है, तो लोरिक चंदा गाथा संबंधित है ये रीवा, रीवा, ठीक है, तो इसका ये जो ये सही होगा बी नंबर का। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं कि कब बाबा मरही तक कब बारा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है तो आ गई लोकोक्ति, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये तो पितृ दशकात्र अंतिम, ये तो ऊपरी सतही तौर पे चीज़ें हैं, इसका जो मेन आंसर होगा वो कार की अनिश्चितता, ठीक है। इसका क्या मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट समझने की बात थी, ठीक है, तो इसका डी नंबर सही होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा दशहरा जो है तो हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि मनाया जाता है, तो गंगा दशहरा जो मनाया जाता है वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माँ और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रहासिनी देवी का, ठीक है। काफ़ी फैक्टफुल आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डायरेक्ट फैक्ट पर ज़्यादा पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, ये जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया ट्राइबल से, है ना, तो ये भी जो है तो हालांकि सिलेबस में इंक्लूड भी है ये, तो जैसे कि खिनवा शरीर के मतलब कान में ये पहनने वाला वो है ना, कान में पहना जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं वो पाया जाता है,
तो लाल बंगला जो है तो पाया जाता है ये भुंजिया जनजाति है ना। ये भुंजिया जनजाति तो वैसे भी आप लोग मतलब जानते होंगे कि जैसे ये जो कोई भी जैसे बीमारी होती तो उसका उपचार जो है तो ये लोह के उस पर गर्म लोह छुआ कर उससे मतलब कि करते हैं उपचार है ना, भुंजिया जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा लाल बंगला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कमार, कमार जनजाति बांस पे मोस्टली डिपेंड है। वहीं अष्टराज अंभोज के लेखक कौन है? तो अष्टराज अंभोज के लेखक हैं धानुलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो चक्रधर समारोह जो होता है आयोजित होता है रायगढ़ में। ठीक है, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियाँ मनाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा बस्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा बैगा। ठीक है, वैसे तो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा मतलब कि जो सबसे जो अनुसूचित ST की बात करें सबसे ज़्यादा गोंड है, लेकिन यहाँ पर सबसे पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तो विशेष पिछड़ी पूछा गया है, तो होगा बैगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा होता है? तो बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु जो है तो कंवर जनजाति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है? तो ये आप तो इजी क्वेश्चन था, राजनांदगांव मंडी में। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? अब देख सकते हैं किस तरह डायरेक्टिव फैक्ट पूछ दिया गया इसमें भी। ठीक है, यहाँ पास इसका जो सही आंसर है वो होगा 2007-08 है ना, 2007-08 में जो तो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि गुदना उसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? ये डायरेक्ट फैक्ट कब आया है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम? ये आया है मई 2001 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? 29% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? छत्तीसगढ़ ने जो अपनी नई औद्योगिक नीति आई थी वो 2019 से 2024 के लिए थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम में आता है? तो वनों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसमें जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो 4th नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा SBI के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई, डायरेक्ट इसमें डेट पूछ दी गई है ना, ये जो है इसमें डेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब डायरेक्ट ही पूछ दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा कोंडागांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? ठीक है, तो देश में सर्वाधिक भंडार जो है तो छत्तीसगढ़ में किसका पाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लौह अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री किसाई कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? इसका केलो सिंचाई परियोजना को। ठीक है, केलो इरीगेशन प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव के आयोजन के संबंध में कौन सा अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है ना? तो इसमें जो है तो ऑप्शन जो है तो इसका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि ये तो स्टैटिक में जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये तो सभी जो है तो पंचायती राज के हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता जो है विद्युत मंडल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बाद है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि जो है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है तो बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट के बाद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कार्य संचालन होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट इसको वो करता है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाणिज्य और उद्योग विभाग इसका सही आंसर था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जस्टिस TP शर्मा। ठीक है, जस्टिस TP शर्मा जो छत्तीसगढ़ के राज्य लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है ना? तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है तीनों ये ऑप्शन सही हैं कि रायपुर को भी अटल नगर यानी नया रायपुर,
उसको भी शामिल किया गया, प्लस बिलासपुर को भी शामिल किया गया, यानी इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले जो है तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए गए हैं, तो वो हैं 10 जिले जो हैं तो छत्तीसगढ़ के इसमें शामिल है, आकांक्षी जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की अधिसूचना कब जारी की गई, इसका जो सही आंसर होगा वो 23 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ हुआ था, वो गांधी जयंती 2019, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव 19 में मिनीमाता सम्मान किसे दिया गया था, मिनीमाता जो है तो पहली महिला सांसद थी छत्तीसगढ़ की, तो इसीलिए उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है तो यह रुक्मणी चतुर्वेदी को 2019 के राज्योत्सव में दिया गया था पुरस्कार, ठीक है, ये सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया, इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के किस अनुसूची में शामिल करने के लिए बात की जा रही है, तो इसमें यदि देखा जाए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में तो हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो शामिल हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। अब 2017-18 का क्वेश्चन पूछ दिया गया करंट अफेयर से उठा करके, है ना, तो इसका जो सही आंसर था वो था प्रियंका बिश्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोरक्को का निवासी था, ये तो पता ही होगा, ईजी है था। यह कथन किस क्रांतिकारी का, ये नया स्टेटमेंट इसमें देख सकते हैं कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, तो ये जो सही आंसर होगा ये किसका कथन है, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यात्रा में फाहयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, तो ये कहाँ स्थित था, ये जो फाहयान ने अस्पताल का उल्लेख किया वो है पाटलिपुत्र में स्थित था, ठीक है, इसका नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, श्रीनाथ जो थे देवराय के प्रथम के दरबार में थे, ठीक है, बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है तो वही खासी पहाड़ियों पर, है ना, वही जो सिक्वेंस है गारो खासी जयंतिया हिल्स है, तो उसमें से जो बीच वाली खासी पहाड़ियाँ उसमें चेरापूंजी स्थित है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित इसमें नहीं है, तो इसमें देखें तो इसका जो सही जो है तो जूट जैसे पश्चिम बंगाल तो ठीक ही है, कपास महाराष्ट्र और सोयाबीन आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक मतलब होती है, लेकिन मक्का का जो है तो उत्तर प्रदेश इसमें जो है तो सही सीक्वेंस नहीं सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की, तो इसका जो सही आंसर होगा जमुनादास ठाकुर दास, ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शांत घाटी सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, कारण इसका है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो स्टेटमेंट है तो सही है, बट उसका जो रीज़न दिया गया है तो वो उसमें सही नहीं है, ठीक है, तो सी इसका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रश्न सर्वाधिक है, सिंपल से क्वेश्चन है गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकिंघम नदी नहर जो है तो कहाँ है, बकिंघम कैनाल जो है तो उसकी लोकेशन है कोरोमंडल तट पर, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है, ये क्वेश्चन आ गया था, दल बदल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, हमारी अनुसूची 10 का क्वेश्चन था। कि जैसे देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य, हाँ याद रखना है कि 2/3 सदस्य जब किसी दूसरे उसमें विलय कर लेते हैं या सहमत हो गए तब उसमें दल बदल कानून जो है ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मतलब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कि राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्न में से किस स्थिति में माना जाता है, तो इसका जो है तो देखा जाए तो इसका जो सही नंबर होगा वो सही होगा, उपरोक्त में से दोनों में एक, है ना, कोई भी एक इनमें कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है, है ना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रमुख कार्य है तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर, के देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास करना, ठीक है। तो इसमें हालांकि डी नंबर पे भी कुछ मतलब कि ऑप्शन जा सकता है, क्या भी इसमें तो देखेंगे क्या है मेन आयोग का क्या है वो अपने आंसर में मानता है किसको ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, कि छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था उसके तहत ही छत्तीसगढ़ का राज्य हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वही मैचिंग कराना था, सिंपल सा क्वेश्चन ये था, काफ़ी ईजी था इसमें, कोई भी वो नहीं कि उपाधियों का अंत क्या है ना। ये सिंपल सा था कि मूल अधिकार ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित भी था, है ना, कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र से रिलेटेड अपना डिसेंट्रलाइजेशन का, वहीं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ, है ना। तो ये जो है तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि 3, 1, 4, 2, यानी कि बी नंबर इसका आपका जो है तो सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका है दोनों स्टेटमेंट इसके सही है कि परिषदें जो है तो भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। इट मीन्स कहते हैं काउंसिल्स एक्ट्स ऑफ फेडरल लिंक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य मतलब सहयोग का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। इट मीन्स द काउंसिल्स पेव द वे फॉर कॉपरेशन इंटीग्रेशन एमंग द स्टेट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, इसका दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि यदि इसमें बिल की बात की तो ये तो 122वां बिल पेश किया गया था, लेकिन टोटल यदि बात किया तो ओवरऑल जो अमेंडमेंट हुआ था तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसका सही आंसर था, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 और 2 को मैच कराना था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जैसे कि जनपद पंचायत, ये मध्य प्रदेश के लिए जनपद पंचायत यहाँ पास बोला जाता है, वहीं क्षेत्र पंचायत जो है तो उत्तर प्रदेश में चलता है, तो तालुका परिषद जो है तो गुजरात में, वहीं आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में बोला जाता है ना पंचायत समितियों को। तो इसका सी नंबर सही होगा। और वहीं लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आयकर राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि राज्य वित्त आयोग, है ना। तो ये जो है तो पूरा जो इसका डिस्कशन था। वहीं एक बात और बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यहाँ पास हाल ही में जैसे कि हमारी जो टीम का इनिशिएटिव चल भी रहा है, जिसके तहत जो है हमारी समीक्षा सीरीज भी चल रही है ना। समीक्षा सीरीज में पूरी तरह से आपको जो यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन उनको डीपली डीप एनालाइज करके पूरी तरह से आपको जो बताया जा रहा है, जिससे कि आप तो बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए एक प्रकार से मीटर का काम करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें उनके साथ बिल्कुल बने रहना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम बेहतर तरीके से जो एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो फिर एक प्रकार से सागर में गोते लगाने जैसी ही बात हो जाएगी ना, यदि हमें कुछ उसके बारे में आगे व्यू नहीं दिखेगा तो। वहीं जो है तो हमारी टीम नेक्स्ट इनिशिएटिव भी ला रही है, जो कि करंट अफेयर्स जो कि हिंदी मीडियम की काफ़ी डिमांड रही है। तो हमारी टीम जस्ट मतलब कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही करंट अफेयर्स लॉन्च करने वाली है। वो बिल्कुल निःशुल्क होगी और काफ़ी बेस्ट कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदर स्टेट पीसेस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्पेशली जो है तो वो यूपीएससी के लिए फोकस्ड होगी, है ना। तो यूपीएससी के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम के लिए आने वाली है जल्दी ही, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मित्रों। तो उसको निश्चित तौर पे आप लोग जो है तो मतलब वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो फ्रेंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।